हम बात कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 2% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 56.25 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जब गिरावट आई थी स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, हमने 57 से 58 तक के टारगेट को डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं स्टॉक उसी लेवल से हमको दो दफ़ा रिजेक्शन दिखा चुका है। 51 के सपोर्ट से बाउंस बैक रिजेक्शन लिया, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, अगेन रिजेक्शन लिया और अपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मार्केट भी हमको अपसाइड का सिग्नल दे रहा है और हमको पटेल इंजीनियरिंग में भी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन हमने एक लेवल को इससे पहले डिस्कस किया था जिसको ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार बड़ी तेज़ी के लिए। पटेल इंजीनियरिंग अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो लगातार तेज़ी दिखा सकता है। उस लेवल को हम दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है इमीडिएट इसका सपोर्ट एरिया है, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 54 का लेवल और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 50 का लेवल। यहाँ से अगर स्टॉक रिकवरी दिखाता है तो इमीडिएट टारगेट बनेगा इस हाई को ब्रेकआउट के बाद। हम देख सकते हैं दो दफ़ा टेस्ट कर चुका है 58 का लेवल, तीसरी दफ़ा भी रिजेक्शन आया है, लेकिन यहाँ बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब जब बाउंस बैक होगा तो 58 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दो तीन दफ़ा स्टॉक ने टेस्ट कर चुका है तो ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट 60 और 60 को ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 64 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं और 64 का ही लेवल है जिसको ब्रेकआउट करके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है दो तीन दिन तो क्लियर कट फिर अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। यहाँ से पटेल इंजीनियरिंग फिर हमको लगातार तेज़ी दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।